हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम योर शिल्पा चौधरी एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो जैसे कि हम आ गए थे सोनमर्ग कल और हमने बहुत रेस्ट किया क्योंकि हम चाहते थे कि बिल्कुल भी मेरा कोई भी व्लॉग ना छूटे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्डनेस हो जाती है ट्रैवलिंग करके। और जैसे कल वाले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हमें डल लेक से यहाँ आने में लगे थे पूरे, मतलब आज तो मैंने काउंट नहीं किया क्योंकि मैं तो सो गई थी, लेकिन 70 किलोमीटर्स था तो मुझे बहुत लंबा रास्ता लग रहा था और शाम ही हो गई थी हमें। तो बस हमने अपना आके यहाँ पे चेक इन लिया था, खाना खाया था और उसके बाद थोड़ी बहुत बातें की और फिर सो गए। तो आज का जो हमने प्लान किया है वो ये किया है कि आज हम पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं सोनमर्ग की वादियाँ, जो भी यहाँ का सबसे अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। और अभी उन्होंने बताया कि आप लोग ऐसे बाय वॉक नहीं जा सकते हो, बाय कार नहीं जा सकते हो, वहाँ पे सिर्फ हॉर्स ही जाते हैं। पर काजल ना हॉर्स राइडिंग को अवॉइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है ही नहीं, उसके अलावा आप किसी चीज़ पे जा ही नहीं सकते हो। तो कोई बात नहीं गाइज, मेरा इतना वजन नहीं है तो लेके भगवान जी का नाम और चलते हैं सोनमर्ग और दिखाती हूँ आपको भी, और फिर देखते हैं कि आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। ये मैंने साहिल का बैग लिया है गाइज, और मेरी आज की आउटफिट ऑफ द डे है ये। कंफर्टेबल सा ही चाहिए था कुछ, और जितना हम लोग वहाँ बोल रहे थे ना श्रीनगर में गर्मी है गर्मी है, उससे डबल यहाँ पे ठंड है। और अब अच्छा लग रहा है कि अब कश्मीर घूमने आए हैं। तो आज के लिए हम बहुत एक्साइटेड हैं, बस अभी हॉर्स वगैरह आ चुके हैं। एक चीज बताऊँ सोनमर्ग, एक चीज बताऊँ जी, वो देखो साथ में दिख रही हो छोटी सी बिल्कुल, हाँ। वो काजल के लिए नहीं बच्ची बच्ची के लिए ही है, उस पे आपको नहीं बैठना काजल, उसको आप खुद ही लेके जाओगे। वैसे बस यही है गाइस कि क्या ही कर सकते हैं, भगवान जी ने हॉर्स बनाए तो नहीं थे इसलिए कि उस पे आदमी का बोझा रखा जाए। अब ऐसी बातें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ, पर ठीक है, हम भगवान जी ने हमें पतला ही बनाया है तो हॉर्स को ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगी मैं, और कोशिश यही करूँगी कि ज़्यादा ज़्यादा ना ही बैठूँ उस पर, जहाँ जहाँ वॉक कर सकती हूँ वॉक करूँ। तो आज देखते हैं कि फिर अभी ये हमें कहाँ कहाँ लेके जाने वाले हैं। और वैसे तुझे कुछ एक आधा नाम पता था ना यहाँ का? नहीं, तू ही कह रही थी कल से कि हम तारे देखने जाएंगे, ग्लेशियर्स गाइस। तो अभी चलते हैं और आप लोगों को भी घुमाती हूँ आज सोनमर्ग। हेलो माय कश्मीरी, रफ एंड टफ कश्मीरी, रंग बिरंगी। आपको ठंड लग गई है पहले ही, इसने तो पहले ही जैकेट पहन ली। नहीं है ठंड भाई, है शराब वाला तो कुछ ज्यादा ही साइड में चल रहा है। आ जाएगा। चलते रहो, कुछ नहीं होगा, शांत रहो। जो 60-70 साल के बुजुर्ग होते हैं वो करते हैं ऊंट की लकड़ी से कलम। क्या कहते हैं इसे? कलमकारी। कलमकारी जी। ये बहुत अच्छी चीज है, पूरा रिंग से निकलता है। ये पैसे नहीं है बेटे, इसमें तो मजा देंगे प्योर में। ले सकते हो ये देखना, ये वाला ठीक लग रहा है, ले लो आप, ये ले लो। गाइज फाइनली हॉर्स राइडिंग के बाद एक पॉइंट आता है यहाँ, इसका नाम उन्होंने बताया था, अभी दोबारा पूछ कर बताऊंगी। वैसे तो यहाँ बजरंग भाईजान मूवी की शूटिंग हुई थी और मैं पॉइंट आपको दिखाऊंगी वो कौन सा है जहाँ पे वो बता रहे हैं, लेकिन हॉर्स से उतरने के बाद ना थोड़ा क्या चाहिए, 10 रुपया दे दूँ। काजू को पता है क्या क्या बोलते है? हे मैम आपके पास आके कहते हैं और मेरे को पता क्या करे, हे भैया, इनको मैम और हमें भैया। क्या खाना है आप दोनों को? पहले जरूरी, हाँ, शोना के इंस्टाग्राम पे रील आएगी गाइस इन दोनों क्यूटीज के साथ। अब हम जा रहे हैं सब मैगी खाने। हाँ, मैगी खाने से पहले ना वो कर दो, एक हम दोनों की फोटो भी क्लिक कर दो, ठीक है गाइस। हम मैगी खाने जा रहे हैं, जो पहले पहुंचेगा ना वो सबसे ज्यादा क्यूट। अब हुई है ना डन, बारिश हो रही है, तो बारिश हो रही है ना, मजा है। Yeah.
दिन को कढ़ाई। अच्छा इसका पिंक कलर, इसमें ये भी है, इसके भी है। अच्छा ये 6,500 का है, ये दुपट्टा है सूट है। अच्छा ये शॉल है, ये मैंने जो पहना है ना बार बार आगे आ रहा है, बार बार मेरे फेस पे है। गर्मी गर्मी कह रहा हूँ, ठंडी ही। खाओ खाओ बेटा आराम से खाओ। वैसे हम लास्ट वाले पॉइंट पे आए हैं ना, जहाँ पे वो कह रहे थे कि बजरंगी भाईजान मूवी की शूटिंग हुई है, बाहर बारिश हो गई इसलिए व्लॉग नहीं कर पाए, तो खाने पीने में थोड़ा बिजी हो गए। उसके बाद आपको दिखाऊंगी यहाँ पे कि इस पॉइंट पे क्या क्या है और कहाँ हुई थी मूवी, वो भी दिखाऊंगी। मुझे नहीं समझ आ रहा है कहाँ हुई थी, बस कह रहे वहाँ हुई थी। सो गाइस ये है वो पॉइंट, अभी आप अच्छे से देखो, जहाँ पे शूटिंग हुई थी मूवी की। अभी बारिश हो रही है तो इस वजह से ना थोड़ा सा अच्छे से देख नहीं पा रहा, लेकिन तब आए थे तब तो बड़ा अच्छा था, एकदम ही बारिश स्टार्ट हो गई। गाइस बाहर लग रही है ठंड, तो इसलिए मैं तो इधर बैठने के लिए आ गई। तो बारिश में ही जा रहे हैं? हाँ चलो, बहुत तेज हो जाएगी यहाँ पे, ऐसा ही माहौल है। तो अभी भी तो तेज ही है, तो ये कह रहे हैं तो बहुत तेज हो सकती है। नाम ना, आपका और आपका? ओके बाय नसीम मुस्कान, बाय। गाइस बारिश और तेज हो गई है, पहले हम तो ठंड के कपड़े नहीं लाए थे, तब मैं इतनी खुश हो रही थी कि कोई ठंड नहीं लग रही, कोई ठंड नहीं लग रही, लेकिन जैसी बारिश स्टार्ट हुई ना वैसी ठंड लगने स्टार्ट हो गई है। और हमने सोचा था अभी बारिश कम हो जाएगी, लेकिन बारिश और तेज हो गई है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। और मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप सोनमर्ग आते हो तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, अगर आपको सोनमर्ग में ऊपर कहीं घूमने जाना है ना तो हॉर्स पे ही आना पड़ेगा, और हॉर्स के जो चार्जेस होते हैं वो आपके होटल्स के अकॉर्डिंगली होंगे। जैसे हम जहाँ पे स्टे कर रहे हैं ना, वहाँ से हमारा पर पर्सन लगा है 1,000 rupees, है ना? हाँ, उसमें आपको यहाँ सोनमर्ग का जो ये सबसे लास्ट पॉइंट है वहाँ पे लेके आए हैं। और अब जब वापस जाएंगे ना, तब जो बीच बीच के पॉइंट जाएंगे ना, वहाँ वहाँ फिर हम उतर के देखेंगे। बड़ी गलती हो गई, आते टाइम बड़ी अच्छी धूप थी और ठंड भी नहीं लग रही थी, तो अभी सोनमर्ग में तो ये फर्स्ट था जो हमने घूमा है। बाकी देखते हैं वापस पहुँच कर की और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम देख सकते हैं। अभी कोई हम नेचर व्यू नहीं देख रहे हैं, हम अपना फोन ही देख रहे हैं। एक काम करेंगे, नेक्स्ट टाइम से आपका जहाँ भी जाने का मन करेगा ना, वो हम आपको फोन में दिखा देंगे, ठीक है? तो हम इतनी मेहनत करके इतनी दूर नहीं आएंगे, अगर नहीं रुकेगी बारिश तो बारिश में ही चले जाएंगे, इतनी भी कोई टेंशन की बात नहीं। रास्ता सा बना हुआ दिख रहा है आपको? दोबारा बताना। थाजीवाश ग्लेशियर। बताओ गाइस कौन से पॉइंट पे? काजल रहने आपने स्वेटर पहन लिया, अच्छी लग रही है, कुछ नहीं आता। बता कौन सा ग्लेशियर? थाजीवाश ग्लेशियर। थाजीवाश थाजीवास ग्लेशियर, नाइस। तो मैं जो पॉइंट बता रही थी वो ये था गाइस, थाजीवास ग्लेशियर। सो गाइस ये दूसरा पॉइंट है जहाँ हम लोग आए हैं, इसका नाम क्या है, कौन सा? थाजीवास। आते बुट्टा उधर नहीं जाना, ठीक है। सो गाइस ये थाजीवास है। आप बताओ अपना अपना नाम, तेज बताना आपका नाम। इक्का इकरा। और आपका? और आपका? और आपका? मीनास। और मेरा नाम है शिल्पा। ये जो मैंने वीडियो बनाई है ना, अगर आपके घर, उसका नाम है काजल। तो आप सब देखना अपने आप को YouTube पे, ठीक है? मैं नाम बता दूंगी, शिल्पा लिखोगे ना आ जाएगा। आप स्कूल जाते हो? आप स्कूल जाते हो? कौन कौन सी क्लास में हो? ये सेकंड में है, ये फिफ्थ में है, ये फोर्थ में है। अच्छा ये थर्ड में, ये फोर्थ में। अच्छा ठीक है, बोल दिया।
पिथौरागढ़ घाट भी पूरा घूमने के बाद हमने मतलब 1 आवर यहाँ पे स्पेंड किया है और अब जा रहे हैं आगे, और फिर देखते हैं रास्ते में भी कुछ और अच्छा पॉइंट आएगा तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे ये जो झरना था बहुत सुंदर था, बैठे भुट्टा खाया, थोड़ी सी बातें की और अब बस। इससे पहले कि बारिश आ जाए तो उन्होंने बोला कि जल्दी निकलना पड़ेगा, तो फिर ज़्यादा रुक भी नहीं सकते हैं। वैसे ऐसी जगहों से जाने का मन तो नहीं करता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। गर्मी लग रही है? हाँ, मुझे पसीने आ रहे हैं यार, अभी तक धूप है इसलिए लग रही है। सो गाइस, फाइनली सोनमर्ग घूमने के बाद अब स्टोरी ये हुई है, मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ, फिर उसके बाद मैं उसके बाद आप लोगों को बताती हूँ। सोनमर्ग में हमने सोचा था जैसे कल का स्टे लिया, आज का स्टे लिया, तो आज इवनिंग में यहाँ से निकलेंगे सीधा गुलमर्ग के लिए। तो हमने गुलमर्ग में अपना होटल वगैरह बुक कर दिया था, मुझे मतलब हम सबको था कि 2-2 डेज हर जगह स्टे करेंगे। कोई नहीं, बात करने देता यार, कि 2-2 डेज हर जगह स्टे करेंगे, लेकिन यहाँ 3 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं होती है, बाहर नहीं जाने देते हैं। तो अब हमें आज फिर से यहीं पे स्टे लेना पड़ेगा और अब कल निकलेंगे हम गुलमर्ग के लिए। और अभी हम देख रहे हैं कि कुछ और सोनमर्ग में अगर एक्सप्लोर कर पाए तो वापस अभी होटल आए हैं, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, क्योंकि हॉर्स पे आप जितना मर्जी बैठ लो लेकिन अनकंफर्टेबल रहता ही है। विवेक और बीच बीच में सब उतर ही रहे थे क्योंकि उसको बहुत बुरा हुआ है विवेक के साथ। तो जो हम जिस कैब में कल आए थे वो हमने पूरे जब तक यहाँ पे है ना तब तक के लिए उसको बुक कर दिया, तो हमारे कैब वाले यहीं पे हैं। अब उनसे पूछा है हमने कि सोनमर्ग में कौन कौन सी ऐसी जगह है जो अभी हम घूम सकते हैं, तो बस थोड़ा सा रेस्ट करके कुछ खा पी के और फिर निकलेंगे सोनमर्ग के लिए। इतने ठंडे पानी में कोई नहीं नहा सकता है, सब नहा सकते हैं, आप नहाओ। ठीक है, आज साहिल को ही भेजेंगे पहले। अरे मैं जा रहा हूं, मम्मी कसम, मेरा मन कर रहा है ना। मम्मी कसम, चलो। ये लड़का मम्मी कसम बोल रहा है। अरे मैं कह रहा हूं 6 बजे के बाद यहां कोई, चलो 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 फिर मैं कपड़े ना चेंज करूं ना, फिर 21 हो गए, कोई फायदा नहीं जाने का। 6 बजे तक है तो फिर क्या करें, आप डुबो ही पाओगे, फिर वापस भागना पड़ेगा, भालू हो जाएगा खाने वाला। कैसे आएगा भालू? सो गाइस, जैसे कि अभी आपने सुना साहिल कह रहे हैं नीचे झरना है उसमें नहाने चलते हैं, भाई हमारी तो हिम्मत है नहीं क्योंकि यहाँ पे ठंड है, सच्ची में यहाँ ठंड है। और अब मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि जहाँ हम गए थे ना वहाँ पे पैरों पे डिजाइन भी बनाया जा रहा था, तो मेरे पैरों पे ना दोनों पे मैंने डिजाइनिंग कराई है, वो अभी देखो आप शॉर्ट। टैटू, ये यहाँ का ट्रेडिशनल टैटू गाइस, ये यहाँ का ट्रेडिशनल टैटू है, ये ज्यादा मोटा हो गया, यहाँ इंक ज्यादा लग रही है, ठीक धो के आए, इनको कितनी गंदी लग रही है, मुझे पता है, जा रही हूँ। क्या है रफ एंड टफ, मिट्टी में? हाँ ठीक है ठीक है, ओके बाय। सो गाइज, एक एक्स्ट्रा यहाँ पे रूम दिया हुआ है, यहाँ पे आप प्रेस वगैरह भी कर सकते हो, लगेज वगैरह हमने सब इधर ही रखा हुआ है, तो अभी बस चेंज वेंज करती हूँ, अपने पैर वैर क्लीन करती हूँ और फिर आती हूँ। बस अभी हम खा रहे हैं खाना, और खाना आप देख लो सब बेड पे ही खा रहे हैं, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, सब इतना ज्यादा थक गए हैं कि किसी की हिम्मत ही नहीं हुई है बाहर जाने की। अभी हमारे पास काफी टाइम था तो हमने सोचा कि जो सोनमर्ग की लोकल मार्केट है जहाँ पर कपड़े मिलते हैं या और कुछ मिलता है तो वो हम एक्सप्लोर करें और वो मैं आप लोगों को दिखाऊं। और सिर्फ मैं और काजल ही जा रहे हैं क्योंकि विवेक साहिल ने तो देखो गिव अप कर दिया हॉर्स राइडिंग के बाद कि बस अब हमें कोई हिम्मत नहीं बची है, और शॉपिंग में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं और काजल ही जा रहे हैं अकेले। गाड़ी को घूमने नहीं देते गुलमर्ग में ना। अच्छा, तो गाइस अभी ये कुछ बता रहे थे कि यहाँ से लेह लद्दाख कितना पड़ता है, 340 किलोमीटर। 340 किलोमीटर। और कारगिल? कारगिल 120-140 किलोमीटर के अराउंड, अप्रोक्सीमेटली 140 किलोमीटर। और यही रास्ता है आपका लेह लद्दाख का और कारगिल का, तो मतलब अगर यहाँ से आप लेह लद्दाख जाना चाहो तो बहुत कम टाइम में आप पहुँच सकते हो। श्रीनगर से आपको 12 घंटे लगते हैं, सोनमर्ग से 8 घंटे। शॉपिंग करने जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन यहाँ का एक बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया है जिसका नाम है फिश पॉइंट, तो पहले वहाँ जा रहे हैं, दिखाती हूँ आपको भी कैसा है फिश पॉइंट। फिश पॉइंट कौन सा हुआ भाई यहाँ पर? फिश पॉइंट नहीं, कितने बजे बंद हो जाता है ये? 6 बजे। तो हम लेट हो गए हैं। ओहो, तो काजल हमें ऑप्शन दिया गया है कि हम इसके ऊपर से अगर जा सके तो हम जा सकते हैं। सो गाइज, यही था वैसे वो फिशेज वाला जो हम देखने आए थे। इसके अंदर काफी सारी फिशेज तो उधर ही जाकर दिख सकती है ना, हाँ पास जाकर। हर चीज का ना टाइम होता है, अगर मैं टाइम से आती तो ये फिश पॉइंट आपको भी दिखा सकती थी, और ये फिश पॉइंट यहाँ का सबसे अच्छा और फेमस बता रहे थे जो हमारे होटल से भी बहुत पास था, तो अब क्या ही कर सकते हैं, 6 बजे बंद हो जाता है, लेकिन फिर भी मैंने आपको दिखाया कि अगर आप सोनमर्ग आएंगे तो आप यहाँ पे फिश पॉइंट पे भी जरूर आना।
सो गाइज ये सिर्फ फिश पॉइंट नाम के लिए था क्योंकि इसमें फिशेज नहीं थी, बाकी का आप काजल के व्लॉग में देखना, उसने अंदर जाकर पूरा दिखाया है कि वहाँ पर क्या क्या था। सो गाइज ये सोनमर्ग की ना मार्केट है, लोकल मार्केट, तो यहाँ पे ये ऐसी है, मुझे लगा था पूरा डिफरेंट एक शॉपिंग एरिया होगा लेकिन ये अलग अलग शॉप है बीच बीच में। यहाँ पर खाली समर्स में ज्यादा आते हैं, विंटर में बंद होता है। अच्छा, इस वजह से यहाँ ज्यादा पर्टिकुलर कुछ मार्केट वगैरह नहीं बनी है। यहाँ पे गाइज ऐसी ऐसी शॉप्स में आए थे। हाँ जी, वहाँ समझ नहीं है, बंद जो है ना श्रीनगर में ट्रैफिक जैम होता है वहाँ पर इनको, फिर वो अभी जो है ना वो स्मार्ट। सो गाइस जाने से पहले हमने सोचा कि कुछ देख लेते हैं, क्या पता कुछ डिफरेंट मिल जाए। जी 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 सेम वही है, कलर मिलेगा और ब्लैक एंड व्हाइट ही चाहिए सब। भाई ये दुकान करो कलर का। हां कुछ ऐसा ही दुकान है मतलब में। हां ये तो हो गया, इन्हें इतनी ठंड में भी फैन चलाने की नौबत आ रही है। सो गाइज फाइनली हमने सोनमर्ग की मार्केट भी देख ली, जो जो थोड़ी थोड़ी लोकल जगहें थी वो भी देख ली और अब वापस आ गए हैं। काजल रानी की हालत पूरी खराब हो चुकी है, सिर्फ फोटो और वीडियोस के लिए इस लड़की ने बारिश में इतना रिस्क लिया कि इसको अब हेडेक हो रहा है, तो मैंने कहा अब तू सो जा। तो अब हम चेंज वेंज आपने कह दिया, वरना तो मैं नाचती। तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है गाइस क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी नई 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 जगह देखने को मिल रही है और मैं काफी खुश हूँ। बाकी शॉपिंग का सोनमर्ग का एक्सपीरियंस ये था कि मैंने जो थोड़ी बहुत चीजें आपको दिखाई ना, तो 6,000 का स्टॉल, 10,000 का सूट, तो वो लग नहीं रहा था वैसे 10,000-6,000, क्योंकि उन्होंने एक दो भैया हैं जिन्होंने बोला कि मैम हमने आपकी रील्स देखी हैं, तो मुझे लगा बस उसी के हिसाब से प्राइस थे। तो बट वही था कि आप लोगों को दिखाना था, थोड़ा व्लॉग भी मुझे करना था कि कैसी मार्केट है यहाँ की। तो अच्छा था एक्सपीरियंस आज का, बहुत अच्छे से पूरा डे स्पेंड हो गया और सच बताऊँ तो नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। और खाना हमने आज इवनिंग में ही खाया था 7 बजे, तो ज़्यादा भूख लग नहीं रही है, लेकिन अगर रात को लगेगी तो यहाँ पे इस होटल में ना है ये किचन वगैरह, तो आप ऑर्डर कर सकते हो। तो अगर ये व्लॉग आपको पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलूंगी आपको कल एक और नए व्लॉग के साथ, टिल देन बाय बाय।